रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा था। अगर आपकी इलास्टिसिटी वन होती है, वन का मतलब जो नहीं, मतलब चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन मतलब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, या इलास्टिक डिमांड होती है, तो वहां पे प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में नेगेटिव या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता था। प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर कम, और प्राइस कम तो एक्सपेंडिचर ज्यादा। जब आपकी इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है, लेस देन वन का मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, या इन इलास्टिक डिमांड जब होती है, तो वहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता था। प्राइस बढ़ती थी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, और प्राइस डिक्रीज तो आपका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए। पढ़ने पड़े थे देन अपन ने पढ़े थे डिटरमिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिसिटी को फर्क पड़ता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से या तो आपकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक। इलास्टिक कब का हो गया, जब चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। और इनइलास्टिक कब का हो गया, जब चेंज इन डिमांड लेस होगा एज कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट। अगर उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो इलास्टिक डिमांड, और सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो इन इलास्टिक डिमांड। देन प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर आप उस कमोडिटी पे अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च कर रहे हो तो इन इलास्टिक, मतलब वहां प्राइस पे चेंज की वजह से डिमांड को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप अपनी इनकम का मेजर हिस्सा किसी कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो तो वहां इलास्टिक डिमांड होती है, वहां प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द नीड ऑफ द कमोडिटी। अगर वो नेसेसिटी है तो वहां इन इलास्टिक कितनी भी प्राइस बढ़ा दो हमारी डिमांड में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो लग्जूरियस आइटम है तो वहां इलास्टिक की थोड़ी भी प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। पर अगर कंफर्ट्स या जॉइंटली डिमांडेड गुड्स हैं तो वहां पे मॉडरेट इलास्टिक होता है, मतलब ना तो ज्यादा इलास्टिक ना ज्यादा इन इलास्टिक। देन अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस। अगर किसी सामान के मल्टीपल यूजेस हैं तो इलास्टिक की थोड़ी भी प्राइस कम हुई तो अपन बहुत ज्यादा जगह उसको काम में लेने लग जाए। पर अगर उसके यूजेस ही लिमिटेड है तो प्राइस बढ़ा भी दोगे तो जहां मुझे यूज में लेना है वहां मैं यूज में लूंगी, तो उसके डिमांड में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं आएगा। एग्जाम्पल पे जो जो कंफर्ट के एग्जाम्पल, मतलब ना तो ज्यादा इलास्टिक ना ज्यादा इनलास्टिक होती है सारी चीजें, ये कंफर्ट्स में आते हैं। हाँ नहीं, ऐसा कुछ रिलेशनशिप नहीं होता। ये को अपन को खरीदना है तो अपन खरीदते ही, ऐसा नहीं होता प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम या प्राइस कम तो डिफरेंस। हाँ जी, हैबिचुअल, अगर कोई सामान आपकी हैबिट में है, चाहिए ही चाहिए, तो वो इन इलास्टिक, और अगर हैबिट में नहीं है तो इलास्टिक। टाइम पीरियड, अगर मेरे पास किसी सामान को खरीदने के लिए समय कम है तो इन इलास्टिक, बहुत सारा है तो इलास्टिक। प्राइस रेंज, अगर किसी चीज की प्राइस बहुत कम है जैसे कि मैच बॉक्स बहुत सस्ता आता है तो वहां पे इन इलास्टिक की प्राइस थोड़ी बढ़ा भी दोगे तो भी डिमांड को कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सामान बहुत ज्यादा महंगा है जैसे कि डायमंड्स, तो वहां पे प्राइस बढ़ा भी दोगे तो भी डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा, वहां भी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। और जो मिडिल प्राइस रेंज वाले प्रोडक्ट होते हैं वहां डिमांड कैसी होती है, आपकी इलास्टिक होती है। एंड लास्ट था आपका टाइड डिमांड या फिर डिराइव्ड डिमांड। टाइट डिमांड क्या होती है, ऐसी डिमांड जो किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे जब वो डिपेंड करती है तो उसे क्या कह देते हैं, टाइट डिमांड या डिराइव डिमांड। जैसे कि सीमेंट की डिमांड डिपेंड करती है बिल्डिंग पे, तो सीमेंट की कितनी भी प्राइस बढ़ा दो उसकी डिमांड में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी।
पर जो ऑटोनोमस प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड इंडिपेंडेंट होती है, किसी और पेरेंट प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करते हैं, वहां उनकी डिमांड कैसी हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी, जहां पे चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस होता है। तो बच्चों कौन से डिटरमिनेंट्स है, नाम नाम बोलो मेरे साथ। अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, लेवल ऑफ इनकम स्पेंड, देन नेचर ऑफ द कमोडिटी, देन diversity of uses, then total आपके 8 factors हैं। बोलकर देखो हमें नाम नाम याद है क्या, बोलो। availability of the substitutes, income proportion spent, nature of the need of the commodity, diversity, habit, time period, price range and life demand। आप सब बोलो, देखो कितने बोल पा रहे हो। बोल पा रहे हो? 5-6 बोल पा रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, टाइट डिमांड अलग चीज होती है, ऑटोनोमस उसका अलग वो होता है। ऑटोनोमस आपको कपड़े खरीदने, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते, कुछ भी ओकेजन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मुझे खरीदना है बस, ऐसे ही मन कर रहा है शॉपिंग करने का, तो वहां प्राइस थोड़ी बढ़ा दोगे तो डिमांड में आपके बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे, तो वो इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज हमने प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरियस टाइप की इलास्टिसिटी इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी निकालने के अपन ने 3 मेथड्स पढ़े हैं, परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट मेथड, देन ज्योमेट्रिक मेथड एंड देन आर्क इलास्टिसिटी। वेरी गुड। आज अपन नेक्स्ट तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या कहता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से आपके जो डिमांड में चेंजेस होते हैं, बाकी सारे अदर फैक्टर्स क्या माने जाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टेंट माने जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकम में चेंज होगा और उसकी वजह से जो आपके डिमांड में चेंजेस होंगे। फॉर्मूला वहां क्या हुआ करता था बच्चों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। यहाँ पे ओन प्राइस की जगह कौन सा डिटरमिनेंट आ गया, इनकम। तो परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। जनरली इनकम और नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनकम ज्यादा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा। आज क्या हो रहा है, बहुत अच्छे से खाना ज्यादा खा लिया खाना नहीं खाया, कुछ भी हो सकता है, तो खाना खाया नहीं है ज्यादा खा लिया। चलो आज इनकम ज्यादा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा, इनकम कम, नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम, तो इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता था, पॉजिटिव। इसके पहले कौन सा साइन आ गया, प्लस। और फॉर्मूला क्या होता था प्राइस इलास्टिसिटी का बच्चों, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी माइनस का साइन। यहाँ पे पी की जगह कौन सा फैक्टर आ गया, इनकम। तो इनकम को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा y अपॉन q इंटू डेल्टा q अपॉन डेल्टा y विद प्लस का साइन। y का मतलब आपकी ओरिजिनल कितनी इनकम है, q का मतलब आपकी ओरिजिनल कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, डेल्टा क्यू का मतलब होता है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालते हो, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। और डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। वो कैसे निकालोगे आप, वाई वन माइनस वाई मतलब न्यू इनकम माइनस ओल्ड।
इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितने क्या चेंजेस आ रहे हैं और बाकी अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट माने जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई विद प्लस का साइन। वाई का मतलब ओरिजिनल इनकम, क्यू का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर सपोज पहले मेरी इनकम 5000 थी, मेरी इनकम 5000 थी, उसका मैं कितना 10% खर्च कर दी थी किसी कमोडिटी के ऊपर। अब मेरी इनकम 7000 हो गई, अभी भी मैं मेरी इनकम का 10% ही खर्च कर रही हूँ, मतलब इनकम बढ़ी पर प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड सेम रहा। जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे उतना ही परसेंटेज अगर आप अभी भी खर्च कर रहे हो तो वहां इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है, आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ आपका प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड डज नॉट चेंज। मतलब पहले भी 10% ही खर्च कर रही थी, अभी भी मेरी इनकम का 10% ही खर्च कर रही हूँ तो वहां इनकम इलास्टिसिटी कितनी होती है। सपोज पहले आपकी इनकम थी 5000, आप अपनी इनकम का 10% खर्च कर रहे थे, अब आपकी इनकम 7000 हो गई, अब आप अपनी इनकम का 12% खर्च कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ आपने अपना प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ा दिया। जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे उससे ज्यादा प्रपोर्शनेट अगर आप अब खर्च कर रहे हो तो वहां पे इलास्टिसिटी कितनी होती है, ग्रेटर देन। जनरली जनरली ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है, जो लग्जीरियस आइटम्स होते हैं आपके कार आपका टीवी, तो आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उन चीजों पे अपना इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करना शुरू कर देते हैं। सपोज पहले इनकम थी 5000, मैं मेरी इनकम का 10% खर्च कर रही थी, अब इनकम हुई 7000, अब मैं मेरी इनकम का उस गुड पे 8% ही खर्च कर रही हूँ। इनकम बढ़ी पर प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे तो उससे कम परसेंटेज अगर आप अब खर्च कर रहे हो तो इलास्टिसिटी कितनी होती है आपकी, लेस देन वन। ऐसा कौन से गुड्स के केस में होता है, जो नेसेसिटीज है, क्योंकि नेसेसिटीज में हमें जितना चाहिए हम उतना ही कंज्यूम करते हैं, इनकम बढ़ती है तो उसके साथ नेसेसिटी की डिमांड और नहीं बढ़ाते, फिर हम नेसेसिटी की डिमांड को रोक देते हैं। तो अगर आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ आपका प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड सेम रहा, जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे अगर आप अभी भी उतना ही परसेंटेज खर्च कर रहे हो तो इलास्टिसिटी कितनी होती है। अगर आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ आपने अपना प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ा दिया, जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रहे थे अगर उससे ज्यादा परसेंटेज अब खर्च करोगे तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन वन। अगर आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ आपने अपना प्रपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड कम कर दिया, जितना परसेंटेज पहले खर्च कर रही थी अगर उससे कम परसेंटेज अब खर्च करूंगी तो इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, लेस देन वन हो जाएगी। इलास्टिसिटी जीरो इनकम इलास्टिसिटी जीरो कब होगी, देखो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, चाहे इनकम बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। मतलब पहले भी मैं उस सामान की 5 यूनिट खरीदती थी, अभी भी उस सामान की 5 यूनिट खरीद रही हूँ, चाहे इनकम आपकी बढ़े चाहे इनकम आपकी कम हो। मतलब मेरी डिमांड अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि इनकम आपकी ज्यादा हो रही है कम हो रही है। उस तरीके के गुड्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल गुड्स कहा जाता है। न्यूट्रल गुड्स कौन से होते हैं, जो न्यूट्रल है, उनको फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम ज्यादा है कम है, जितना पहले खरीदते थे उतना खरीद रहे हो। तो बहुत सस्ते आइटम होते हैं जैसे कि आपका मैच बॉक्स, मैच बॉक्स को इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता।
फॉर एग्जाम्पल आपका टूथपेस्ट, जनरली टूथपेस्ट के डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, आपकी इनकम ज्यादा है या आपकी इनकम कम है, तो इस तरीके के कुछ को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूज पेपर बहुत सस्ता आता है, न्यूज पेपर आपका तो इनकम ज्यादा है या कम है उसमें न्यूज पेपर की डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स कहलाते हैं, न्यूट्रल ग्रुप्स कहलाते हैं कि वो न्यूट्रल है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि इनकम ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, वो अनरिस्पॉन्सिव है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपके इनकम के चेंज को, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वहां इलास्टिसिटी कितनी होती है आपकी, जीरो होती है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, बच्चों नॉर्मल गुड्स कौन से हुआ करते थे, कंफर्ट्स एंड लग्जरी आइटम, तो वहां आप पढ़ते थे इनकम बढ़ती थी तो डिमांड बढ़ती थी और इनकम कम तो डिमांड कम, तो नॉर्मल गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होता था, पॉजिटिव या डायरेक्ट, तो अगर नॉर्मल गुड्स है तो हमेशा इनकम इलास्टिसिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव, पर अगर आपके इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं बच्चों, जो लो क्वालिटी का सामान होता है, खराब क्वालिटी का सामान होता है, तो वहां इनकम बढ़ती थी तो डिमांड कम होती थी और इनकम कम होती थी तो डिमांड ज्यादा होती थी, तो वहां उनमें कैसा रिलेशनशिप होता था, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता था। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी हमेशा कैसी आएगी, इंफीरियर इनवर्स, और नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी हमेशा कैसी आएगी, आ रहा है समझ में। तो अपन ने क्या पढ़ा इनकम इलास्टिसिटी के अंदर, इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्ड करती है उसे क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी से मेजर किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, या फिर फॉर्मूला क्या है इसका, वाई अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई विद प्लस का साइन, Y मतलब ओरिजिनल इनकम, Q मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा Y का मतलब चेंज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बढ़ी और उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड सेम, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी, इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी वन, इनकम बढ़ी प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड में कोई चेंज नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी वन, इनकम बढ़ी उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी बढ़ गया तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, तो लग्जरियस आइटम में होता है, इनकम बढ़ी और उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड कम हो गया तो इलास्टिसिटी लेस देन वन, ऐसा सिटीज के केस में होता है। इलास्टिसिटी जीरो कब होती है बच्चों, जब न्यूट्रल गुड्स अनरिस्पॉन्सिव गुड्स होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता आप इनकम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, जितना पहले खरीदते थे अभी भी उतना खरीदते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि मैच बॉक्सेस, जैसे कि टूथपेस्ट। देन नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव, और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी आएगी, वेरी गुड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, ये इनकम इलास्टिसिटी कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, जब रिलेटेड गुड्स कौन से थे बच्चों, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज की वजह से दूसरे गुड के डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, उस टाइम पे जब इलास्टिसिटी निकाली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, एक की जगह जो दूसरा काम में लिया जा सकता है, उसको कौन से गुड्स कहते हैं, एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट का, टी एंड कॉफी, आपको पता है टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि टी के कंज्यूमर्स भी कॉफी पीने लग जाएंगे, टी की प्राइस कम तो कॉफी की डिमांड भी कम क्योंकि कॉफी वाले अब चाय पीने लग जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, डिमांड को जो कम्प्लीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कार एंड पेट्रोल,
अगर कार की प्राइस बढ़ेगी तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, कार महंगी होगी तो लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, गाड़ियां कम खरीदेंगे तो पेट्रोल कम चाहिए होगा, तो कार की प्राइस ज्यादा तो पेट्रोल की डिमांड कम, अगर कार की प्राइस कम तो पेट्रोल की डिमांड ज्यादा, गाड़ियां सस्ती तो लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, जितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे उतना ही ज्यादा उनको क्या चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा। सब्स्टिट्यूट्स में आपने पढ़ा था कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अगर अपन इनके डिमांड कर्व्स की बात करते, अगर अपन इनके डिमांड कर्व्स की बात करते, मैं पहले सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल ले रही हूँ। सब्स्टिट्यूट में अपने पास है टी एंड कॉफी, यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो टी की प्राइस बढ़ रही है या टी की प्राइस कम हो रही है। जब टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और इसकी कम तो इसकी डिमांड भी कम। अगर मैं कर्व बनाती तो ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ द कॉफी, कॉफी का डिमांड कर्व है ये मेरा ओरिजिनल। टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड भी बढ़ गई, उसी प्राइस पे कॉफी की डिमांड बढ़ गई, तो उसी प्राइस पे आपका कॉफी का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, राइटवर्ड, या फिर इसे बोल सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। टी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी का डिमांड कर्व राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर आप इसका ये वाला एग्जाम्पल देखते, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ द कॉफी, यहाँ पे टी की प्राइस कम हुई तो उसी प्राइस पे कॉफी की डिमांड और कम हो जाएगी, तो कॉफी का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड या इसे क्या बोल सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अगर टी की प्राइस बढ़ती है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, तो कॉफी का डिमांड कर्व राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस कम, तो कॉफी का डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। अगर आप एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड का लेते, कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर एग्जाम्पल आपके कार एंड पेट्रोल, इसमें भी दो होगा, या तो कार की प्राइस ज्यादा या कार की प्राइस, कार की प्राइस ज्यादा तो पेट्रोल की डिमांड कम, क्योंकि कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव इनवर्स, गाड़ियां महंगी लोग गाड़ियां कम खरीदेंगे, जितनी कम गाड़ियां खरीदेंगे पेट्रोल उतना ही कम हो चाहिए होगा, तो कार की प्राइस ज्यादा पेट्रोल की डिमांड कम, कार की प्राइस कम पेट्रोल की डिमांड ज्यादा। अगर आप इसके डिमांड कर्व की बात करते, ये मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व किसका है, पेट्रोल का, कार की प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई कम, तो कार की प्राइस बढ़ते ही पेट्रोल का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया बच्चों, लेफ्टवर्ड या फिर बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये आपका ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ द पेट्रोल, कार की प्राइस कम होते ही पेट्रोल का डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड या फिर इसे क्या बोल सकते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। तो सब्स्टिट्यूट्स में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे का डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और एक की प्राइस कम होगी तो दूसरे का डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड का राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आ रहा है बच्चों समझ में, अपन ने पढ़े थे ना शिफ्ट से डिमांड का, वही है। अगर आप इसके फॉर्मूले की बात करते, देखो प्राइस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, चाहे सब्स्टिट्यूट हो चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो,
एक प्रोडक्ट की प्राइस होती है तो दूसरे की डिमांड होती है। टी की प्राइस तो कॉफी की डिमांड, कार की प्राइस तो पेट्रोल की डिमांड। मतलब मैं एक की प्राइस की बात करती हूँ तो दूसरे की डिमांड की बात करती हूँ। तो क्रॉस क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, पी एक्स अपॉन क्यू वाई इंटू डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ, एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ या तो टी की प्राइस या फिर कार की प्राइस। डेल्टा पी एक्स का मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ, किसकी प्राइस में चेंज हुआ, या तो टी की प्राइस में या कार की प्राइस में। क्यू वाई, क्यू वाई का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, किसकी क्वांटिटी डिमांड होगी, या तो कॉफी की या फिर पेट्रोल की। और डेल्टा क्यू वाई का मतलब क्या होता है आपका, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, किसकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ, या तो कॉफी का या पेट्रोल। तो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब उसके पहले प्लस साइन आएगा या माइनस साइन बच्चों, डिपेंड्स, वो गुड्स अगर सब्स्टिट्यूट होंगे तो प्लस साइन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो माइनस साइन। तो क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स अपॉन में क्यू वाई इंटू डेल्टा क्यू वाई अपॉन में डेल्टा पी एक्स। पी एक्स का मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स, क्यू वाई का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, डेल्टा क्यू वाई का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, एंड डेल्टा पी एक्स का मतलब चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। आ रहा है बच्चों समझ में? अगर अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, वैसे रियल लाइफ में कुछ भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब जुड़वा बच्चे, हम शक्ल बच्चे जो होते हैं जो ट्विंस होते हैं, जो सामने खड़े हैं दोनों तो आप आइडेंटिफाई डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कौन सा फर्स्ट वाला और कौन सा सेकंड वाला, वो होते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, टी एंड कॉफी आर द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितनी मुझे चाय पसंद है उतनी सेम मुझे कॉफी पसंद होगी, मुझे या तो चाय ज्यादा पसंद है कॉफी, ऐसा कुछ होता है दोनों एकदम बराबर रेशियो में इक्वल पसंद हो, ये कभी भी नहीं होता। तो अगर इस दोनों को एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से जुड़वा एकदम सेम, आप अलग नहीं कर पाते कि कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उस टाइम पे आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। आपको लर्न रखना है एमसीक्यू पर्पस से कि अगर दो को एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी होती है, इनफाइनाइट। अगर दो गुड्स एक दूसरे से कंप्लीटली अनरिलेटेड है, कनेक्टिविटी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्कूटर प्लस पेस्ट्री, ये दो गुड्स हैं, स्कूटर और पेस्ट्री में कोई भी लिंकिंग बिठा सकते हो, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है स्कूटर है तो पेस्ट्री खाएंगे, स्कूटर नहीं है तो पेस्ट्री खाएंगे या पेस्ट्री नहीं खाएंगे, या ऐसा कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है, दोनों एंटायरली डिफरेंट गुड्स हैं एक दूसरे के। तो जब दो गुड्स कंप्लीटली अनरिलेटेड होते हैं तो उस टाइम पे क्रॉस इलास्टिसिटी उनके बीच में कितनी होती है, जीरो होती है। अगर दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हम पढ़ते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, तो उस टाइम पे क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर दो गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका कार एंड पेट्रोल, तो उस टाइम पे उनके बीच की क्रॉस इलास्टिसिटी कितनी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। एग्जाम में हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में वो क्वेश्चन दे देता है फॉर एग्जांपल कुछ भी प्रैक्टिकल निकालने को, सपोज एक वैल्यू दे दी 0.46 और एक वैल्यू दे दी माइनस का 0.46। अब क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सब्स्टिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपको किस पे टिक लगाना है, माइनस के 0.46, और सब्स्टिट्यूट है तो किस पे टिक लगाना है, प्लस का 0.46 पे टिक लगाना है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा।
कि अगर दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, और अगर दो गुड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनके बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर दो गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी आएगी, इनफाइनाइट, और कंप्लीटली अनरिलेटेड होते हैं तो सेम। वेरी गुड, तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी भी कंप्लीट हो गया। लास्ट जो हमारी इलास्टिसिटी बची है दैट इज अपनी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। लास्ट तरीके की आपकी इलास्टिसिटी बची है दैट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। एडवर्टाइजमेंट का मतलब एडवर्टाइजमेंट पे जो आपने खर्चा किया उसकी वजह से आपकी डिमांड में क्या चेंजेस हुए हैं वो अपन किस से निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जनरली जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा ज्यादा करते हो तो आपकी डिमांड ज्यादा होती है, कम ज्यादा, और खर्चा कम करते हो तो डिमांड। तो कैसा रिलेशनशिप हो गया इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव। फॉर्मूला क्या होता था, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहाँ पी की जगह कौन सा वेरिएबल आ गया, ए, एडवर्टाइजमेंट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, ए अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। ए का मतलब ओरिजिनली आपने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा किया, क्यू का मतलब ओरिजिनली कितनी क्वांटिटी डिमांड आ रही थी, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डेल्टा ए का मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में कितना चेंज किया। अगर अगर मैं कहूं एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी जीरो, जीरो का मतलब चेंज इन डिमांड कुछ नहीं हो रहा, चाहे एडवर्टाइजमेंट का आप खर्चा कितना भी बढ़ा दो, पहले भी मेरी 50 यूनिट की डिमांड आ रही थी और अभी भी कितनी आ रही है, 50 यूनिट की डिमांड आ रही है चाहे कितना भी खर्चा बढ़ा दो, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हमेशा कितनी होगी, जीरो। अगर आप कहो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, वन से कम, मतलब चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट में तो 10% से ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया पर उसकी वजह से डिमांड मेरी सिर्फ कितनी बढ़ी, 2% से डिमांड बढ़ी, तो चेंज इन डिमांड लेस हो गया एज कम्पेयर टू चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आप कहो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन मतलब चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस। सपोज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने एडवर्टाइजमेंट में तो सिर्फ 2% से खर्चा बढ़ाया, उसकी वजह से डिमांड कितनी बढ़ गई, 10% से डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ इलास्टिसिटी कितनी आएगी, ग्रेटर देन वन। अगर आप कहो इलास्टिसिटी वन के बराबर है मतलब जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में भी चेंज हो गया, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5% से बढ़ाया तो आपकी डिमांड भी कितनी बढ़ी, 5% से ही बढ़ गई। आ गया समझ में, ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने आज तीन तरीके की इलास्टिसिटी पढ़ी, सबसे पहले इनकम इलास्टिसिटी, फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट विद प्लस का साइन, फॉर्मूला y अपॉन q इनटू डेल्टा q अपॉन डेल्टा y विद प्लस का साइन। y का मतलब ओरिजिनल इनकम, क्यों का मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देन अगर मेरी इनकम बढ़ी और उसके साथ मेरा प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंड भी इंक्रीज हो गया, तो इलास्टिसिटी, सोच के बोलो बच्चों, अगर मेरी इनकम बढ़ी और उसके साथ मेरा प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंट भी बढ़ गया तो इलास्टिसिटी अगर मेरी इनकम बढ़ी पर प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंट कांस्टेंट रहा सेम रहा तो इलास्टिसिटी अगर मेरी इनकम बढ़ी और उसके साथ प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम स्पेंट कम हो गया तो इलास्टिसिटी ऐसा कांस्टेंट
प्लास्टिसिटी जीरो कब होगी? अनरिस्पॉन्सिव न्यूट्रल गुड्स है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता इनकम बढ़ रही है घट रही है। एग्जाम्पल दो, मैचबॉक्स और आपसे न्यूज़पेपर्स। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी कैसी आती है? और इंटीरियर गुड्स में वेरी गुड। देन अपन ने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी। सोच के बताना, अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो कॉफी का डिमांड पर कहाँ शिफ्ट होगा? अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे का डिमांड कर आगे ही बढ़ेगा, फॉरवर्ड या राइट पर। अगर टी की प्राइस कम हो जाती है तो कॉफी का डिमांड कर लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर कार की प्राइस कम हो जाती है तो पेट्रोल का डिमांड कर फॉरवर्ड, डिमांड प्राइस कम तो डिमांड कर आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और कार की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो पेट्रोल का डिमांड का लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर दो गुड्स बच्चों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो क्रॉस इलास्टिसिटी अनरिलेटेड में, सब्स्टिट्यूट्स में और कॉम्प्लीमेंट्री में वेरी गुड। देन अपन ने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ए अपॉन क्यू इनटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए। अगर इलास्टिसिटी जीरो मतलब डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा चाहे एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी चेंज करो। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन मतलब डिमांड में चेंजेस ज्यादा एज कम्पेयर टू चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट। इलास्टिसिटी लेस देन वन मतलब डिमांड में चेंजेस कम एज कम्पेयर टू चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू वन का मतलब जितना वहां चेंज हुआ उतना ही, जितना डिमांड में चेंज हुआ उतना ही आपका एडवर्टाइजमेंट में भी चेंजेस आ जाए। आ रहा है समझ में? तो ये हमने चार तरीके की इलास्टिसिटीज पढ़ ली, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। आज इतना ही पढ़ेंगे इको में, यहाँ तक का लर्न कर कराए, कल मैं सुनूंगी। कल में